नमस्कार दोस्तों, मैं राम बालक महतो भमतो एडुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आइए शुरू करते हैं। 11 मार्च 2018 की तारीख को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन एवं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसमें विश्व के तकरीबन 100 देशों ने हिस्सा भी लिया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है। दूसरा प्रश्न, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। तीसरा प्रश्न, इसका उद्देश्य क्या है। चौथा प्रश्न, कौन कौन देश इसकी सदस्यता को हासिल कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, सोलर मामाज के नाम से किसको जाना जाता है। छठा प्रश्न, 10 सूत्री कार्य योजना क्या है एवं इसमें क्या क्या चीज शामिल है। सातवां प्रश्न, बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसकी कितनी उपयोगिता है एवं भारत को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। तो आइए एक एक करके उत्तर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का विचार भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अक्टूबर 2015 में भारत अफ्रीकी फोरम शिखर वार्ता के दौरान रखा गया था, जिसे 2015 के दिसंबर माह में ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 के नाम से जाना जाता है, के दौरान भारत ने फ्रांस के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी गठजोड़ की शुरुआत की। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित वह देश जो कि एक वर्ष में कम से कम 300 दिन सूरज की सीधी रोशनी को प्राप्त करता है, वही देश इस संगठन का सदस्य बन सकता है। इन देशों को सूर्य पुत्र देशों का संगठन भी कहा गया है। इसमें कुल 121 देश होंगे, जिसमें कि अभी 61 देशों ने अपनी स्वीकृति जता दी है, जिसका कि इस संगठन को UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भी मान्यता मिल चुका है। दोस्तों, इसका मुख्यालय ग्वालपारा पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में है। अब हम सोलर मामाज की बात करते हैं। अफ्रीकी महादेश के महिला समूहों का संगठन जो कि भारत में तिलोनिया गांव है, अजमेर जिला राजस्थान में, वहां आकर के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ट्रेनिंग ले रही है। भारत इसको ट्रेनिंग करवा रहा है और ट्रेनिंग करके ये अपने देश लौट जाएंगी, जिसको कि सोलर मामाज कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन के दौरान सौर प्रौद्योगिकी मिशन का ऐलान किया। साथ ही साथ सौर ऊर्जा में अनुसंधान और विकास के लिए उन्होंने 10 सूत्री कार्य योजना को भी पेश किया, जिसमें कि शामिल है किफ़ायती सौर तकनीक की उपलब्धता एवं मदद करना। उसमें शामिल है बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना, फंड, नियम और मानक तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही साथ सम्मेलन के बाद भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश समेत 15 देशों के साथ $140 करोड़ का समझौता भी किया। अगर हम बदलते वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2030 तक सौर ऊर्जा की 1000 गीगावाट या 1 टेरावाट क्षमता हासिल करने के लिए $10 खरब के निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए भारत और फ्रांस शुरुआती फंड देंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स विकास बैंक, यूरोपियन विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक समेत दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से आर्थिक मदद ली जाएगी। इसके उद्देश्य की बात करें तो यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि 61 देशों ने सम्मेलन में जहां भाग लिया और अपनी स्वीकृति दी है, वहीं 32 और देशों ने इसकी रूपरेखा की समझौता पर सहमति जता दिया है।
इसका मकसद पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बढ़ते दबाव और प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से निपटना है। साथ ही साथ विकासशील एवं विकसित देशों के बीच ऊर्जा के अंतर को भी पाटना है एवं सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना है, जिससे कि औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगा, रोजगार बढ़ सकेगी, गरीबी में कमी आएगा और खुशी एवं खुशहाल समावेशी समाज को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो यह भारत की सबसे बड़ी और प्रासंगिक पहलों में से एक है, जिसके माध्यम से यह दुनिया के अधिकांश विकासशील देशों के साथ सीधे तौर पर जुड़ रहा है। हालांकि यह एक मामला पर बन रहा गठबंधन है, लेकिन इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव और भी पूरी दुनिया में बढ़ेगा। भारत के व्यावसायिक समुदाय को चाहिए कि वे अपनी योजनाओं को इस तरीके से बनाए ताकि व्यावसायिक उपयोग ठीक ढंग से किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।